सर्व शिक्षा अभियान 2009 के तहत मैंने प्राथमिक विद्यालय भटवा से शिक्षा की समस्या को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें केवल एक ही टीचर थी और पात्र पूजा कुमारी सहित कुल 133 बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही थी। प्राथमिक विद्यालय भटवा, जहां पे एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है और वहां पर पैरा टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसकी सबसे प्रभावित बच्ची है कुमारी पूजा, जो कक्षा 3 में पढ़ती है और उसे एक भी विषय पढ़ने नहीं आ रहा है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 3। ये बताओ, आपके स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? 133। और टीचर कितने हैं? एक। कुल कितने विषय हैं आपके स्कूल में? 8। 8 विषय आप पढ़ लेती हैं? कुल कितना मास्टर वहाँ बांटे हैं? हम मास्टर तो 61 समय पढ़ावते हैं। सरकारी टीचर हाँ? अब सरकारी तो ना हो, वह मास्टर लगौली बाटे। मैंने हमरे ये चाहती मैं लड़कियां पढ़े जाती है, शुद्ध पढ़े, मास्टर रहे ना शुद्ध। एक मास्टर 4 क्लास में केना पढ़ाए। यहाँ पे कुल कितने बच्चे होंगे और यहाँ पे शिक्षक कितने हैं? आप ही पढ़ा रही हैं बच्चे। ये बताइए, क्या यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? यहाँ पे कुल बच्चों के कितने विषय हैं? 8 विषय की पढ़ाई हो जाती है? तो स्कूल में क्या परेशानी रहा? पहले मास्टर नहीं रहा। क्या बदलाव आए? आ गए मास्टर। अच्छा, कैसे आए? संजय भैया वीडियो बना के गए। क्या गुरुजी बैठे अब? 2। अच्छा बताइए, आपके स्कूल में क्या परेशानी रहा? परेशानी रहा कि पहले हम अकेले पढ़ात रही, पढ़ावले में कठिनाई होत रहा। अच्छा, उसके बाद SMC की मीटिंग भइल, संजय नाम के एक आदमी आइले और मीटिंग कराइले। ओकरे बाद एक मैडम और अली, तब हमन के दोनों मिले आपस में मिलजुल के पढ़ावल जाला। ऐसे हमों के खुशी बा कि लड़के आपस में हमने आराम से पढ़ा था। आप कब से यहाँ पे पढ़ा रही हैं? अगस्त। पहले यहाँ पे क्या समस्याएं थी उसके बारे में कुछ आप बताएंगी? पहले यहाँ पे एक ही लोग पढ़ा रहे थे, एक ही मैडम पढ़ा रहे थे, मैं भी आ गई हूँ अच्छे से, दोनों लोग पढ़ा रही हूँ। इस क्लास में पढ़ा रही, कभी मैं अच्छे से स्कूल चल रहा है। जो आपने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग हमको दिखाया है, वो प्रयास तो आपका काफी सराहनीय लग रहा है। सर्वे के उपरांत आपने जो भी चीजें बच्चों से जानना चाहा है, वो बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने दिया है। जैसे जहाँ एक अध्यापक वाले विद्यालय है, वहाँ अध्यापक अपना पूरा समय नहीं दे पा रहा है बच्चों के बीच में, क्योंकि उन्हें सरकारी रूप से कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अच्छा मैम, ये जो वीडियो वॉलंटियर बदलाव ला रहा है स्कूलों में काम कर, इस पे आपकी क्या राय है? तो आप लोगों का ये जो योजना है, प्लानिंग है, उसकी हम सराहना करेंगे। और ऐसा यदि होता रहता बीच बीच में, तो ये भी एक निरीक्षण का ही मुद्दा है और सुधार आने का ही काम आप लोग कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि मेरे इस वीडियो से शिक्षक की समस्या पर यह बदलाव आया और यहाँ पे एक और शिक्षक आके नियुक्त हुई। अब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही और समुदाय भी खुश है। मैं संजय कुमार जायसवाल, महाराजा उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।